पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन पहले लाए और अपन पाना थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पहा हा जो थ्योरम है इट इज फॉर लैमिना म्हणजे लैमिना म्हणतात त्याला लैमिना ऑब्जेक्ट लैमिना म्हणजे प्लेन शीट अशी जसं रिजिड बॉडी का एक सेक्शन ले लिया समझो तो ऐसा प्लेन आएगा प्लेन शीट समझा जसा हे जसं हे आहे प्लेन्स तर या प्लेन शीटला प्लेन लैमिना म्हणतात समजलं ना तो ये समझो प्लेन लैमिना है निकालो डायग्राम ये प्लेन लैमिना है इस पे से ये जेड एक्सिस है जेड एक्सिस ठीक है ओ पॉइंट और ये समझो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे तीन एक्सिस डालना है और ये जेड एक्सिस समझो ऐसे पास हुआ ये नहीं भी निकालना चलता बंद होट लगे तो ठीक है तो ये जो थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन लैमिना देखो वर्ड कौन सा यूज किया हमें प्लेन लैमिना ये वर्ड इसका लैमिना यानी एक सेक्शन वो बॉडी का एक सेक्शन समझ में ना तो ठीक है तो ऐसे तीन एक्सिस लिए ये जेड एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये समझो एक्स एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन इन द प्लेन ऑफ लैमिना म्हणजे या ही जी प्लेन शीट है याला आपण प्लेन लॅमिना म्हणणार याच्यावर एक्स आणि वाय ऍक्सिस हे याच्यावर इज इन प्लेन आणि झेड ऍक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना झेड ऍक्सिस कसा आहे परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना म्हणजे हा परपेंडिक्युलर आहे समजलं याला आपण परपेंडिक्युलर ऍक्सिस सुद्धा म्हणू शकतो तर पहा आता लेट आय झेड हा आय झेड आहे ठीक है समझो ये बॉडी जो है प्लेन लैमिना जो है इट इज रोटेट अबाउट जेड एक्सिस अशी फिरवली ती बॉडी अशी फिरवली आपण प्लेन लैमिना फिरवला म्हणजे रोटेशनल मोशन आपण जेड एक्सिस घेतलं आणि आय झेड म्हणजे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस बाद में उसको वाई एक्सिस पे घुमाया ऐसे यानी ऐसे आय वाई इज द मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट वाई एक्सिस बाद में उसको एक्स एक्सिस पे घुमाया ऐसे ठीक है यानी तीनों एक्सिस पे क्या निकाल लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट आई एक्स आई वाई एंड आई जेड बी एम आई ऑफ प्लेन किंवा लैमिना ऑब्जेक्ट सुद्धा म्हणू शकता त्याला आपण तुम्ही काय म्हणू शकता लैमिना ऑब्जेक्ट प्लेन लैमिना किंवा लैमिना ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस y एक्सिस एंड झेड एक्सिस रिस्पेक्टली ठीक है देन आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय हा थ्योरम आहे तो समजलं म्हणजे हा जो परपेंडिक्युलर एक्सिस आहे हा प्लेन लॅमिना आहे हा परपेंडिक्युलर एक्सिस आहे झेड एक्सिस आपण त्याला परपेंडिक्युलर एक्सिस म्हणू याच्यावर काढलेला मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे या दोन जे म्युच्युअल ऍक्सिस आहेत एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस या दोन ऍक्सिसवर काढलेल्या दोन मोमेंट ऑफ इनर्शियाची सम असते ज्याला म्हणतात थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय आपण स्टेटमेंट पाहू तर आय एक्स आय वाय पुन्हा एकदा सांगतो हा प्लॅनर लॅमिना ऑब्जेक्ट म्हणतात याला प्लेन लॅमिना किंवा लॅमिना ऑब्जेक्ट एक सेक्शन आहे तीन ऍक्सिस घेतलेले आहे हा झेड ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस आणि एक्स ऍक्सिस लाईंग इन द प्लेन ऑफ लॅमिना और तीनों ऍक्सिस के ऊपर रोटेशनल मोशन लिया आय एक्स आय वाय आय झेड बी एम आय ऑफ लॅमिना ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस अँड झेड ऍक्सिस रिस्पेक्टिवली देन आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय हे लिहून घ्या हे डायग्राम काढून घे ठीक आहे आता याच्यामध्ये आपल्याला प्रूफ करायचं आहे ठीक आहे स्टेटमेंट लिया आता स्टेटमेंट एम आय ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट आय झेड म्हणजे काय एम आय ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट परपेंडिक्युलर ऍक्सिस म्हणजे झेड समजलं परपेंडिक्युलर ऍक्सिस म्हणजे कोणता झेड ऍक्सिस समजलं
हा झेड ऍक्सिस इज इक्वल्स टू सम इट्स एम आय म्हणा किंवा मग एम आय ऑफ प्लॅनर लाय ऑब्जेक्ट म्हणा सारखंच आहे इट्स एम आय आणि आय एक्स आय वाय ए बी एम आय ऑफ लॅमिनार ऑब्जेक्ट ही आहे समजलं ना सिर्फ ऍक्सिस बदल काय इट्स एम आय अबाउट टू म्युच्युअली आय एक्स आणि आय एक्स कसं आहे टू म्युच्युअली म्हणजे यामध्ये 90 अँगलचा अँगल आहे टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस परपेंडिक्युलर ऍक्सिस कोणता एक्स अँड वाय ठीक आहे म्हणजे आय एक्स इज द मुवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस आय वाय इज द मुवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ऍक्सिस ते म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहे यामध्ये 90 अँगल आहे अँड हे जे दोन झालेले आहे इथं मिळालेले आहे ते जिथून झेड ऍक्सिस पास होते म्हणजे हा वाय ऍक्सिस पुन्हा एकदा सांगतोय हा एक्स ऍक्सिस आणि हा झेड ऍक्सिस समजलं म्हणजे एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस जिथं मिळालेले आपल्याला इंटरसेक्ट झालेला आहे तिथून झेड ऍक्सिस पास होतोय अँड ऑल थ्री ऍक्सिस बीइंग कॉनकरंट आता स्टेटमेंट संपलं आपलं कॉनकरंट म्हणजे हे एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस इथं जे आपल्याला इंटरसेक्ट झालेले आहेत तिथून झेड ऍक्सिस पास होतो आहे तर दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस याचा प्रूफ आपण घेऊ आता एम आय ऑफ लॅमिनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एम आय अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस अँड ऑल थ्री ऍक्सिस बीइंग कॉनकरंट तर आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय या झेड ऍक्सिसवर जो झेड ऍक्सिस पे जो मुवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते उसकी दो मुवमेंट ऑफ इनर्शिया की सम आहे एक्स ऍक्सिस पे और वाय ऍक्सिस पे असे याद रखना आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय स्टेटमेंट लिख लो अब अपने को देखना है उसका प्रूफ स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा एक बार फिर से लिख लो एम आय ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स एम आय अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑल दिस एक्सिस आर कॉनकरंट तो ठीक है अब इसका प्रूफ देखना है आपने को अब प्रूफ लिखो उसका प्रूफ देखो प्रूफ के लिए जैसे पैरेलल एक्सिस में देखा था दिस लैमिनर ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स हा ऑब्जेक्ट असंख्य स्मॉल एलिमेंट्स बनलेला आहे एक स्मॉल एलिमेंट आपण इथे घेऊ या पी या ठिकाणी त्याचं डीएम काय आहे लेट डीएमबी स्मॉल एलिमेंट मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऍट पॉइंट पी पी पॉइंट जो आपण डीएम घेतलेला आहे त्याचा मास किती आहे मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट म्हणजे डीएम घेतलेला आहे ठीक आहे आता याच्यावर काय करायचं याच्यावर परपेंडिक्युलर टाकायचं आणि हा परपेंडिक्युलर टाकायचा हा 90 degree हा 90 degree ड परपेंडिक्युलर पीएम ऑन एक्स ऍक्सिस अँड पीएन ऑन वाय ऍक्सिस हे परपेंडिक्युलर टाकले तो समझो ये जो है ये वाई एक्सिस है तो यहां से यहां तक के ये वाई यहां से यहां तक के ये वाई ये समझो डिस्टेंस वाई है तो ये भी डिस्टेंस वाई आएगा ये एक्स एक्सिस है तो इसको एक्स पकड़ो तो ये डिस्टेंस भी एक्स आ जाएगा ये डिस्टेंस एक्स ठीक है अब अपने को पॉइंट लेना है तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एम आय ऑफ ठीक है तो पहले लिखा ये जान दो आई जेड का फॉर्मुला लिखना है आई जेड यानी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना ऑब्जेक्ट अबाउट जेड एक्सिस तो निकालो मास इनटू डिस्टेंस पे मास कितनी है डीएम डिस्टेंस कितनी है ओपी कारण आपका बेसिक फॉर्मुला कौन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वेयर समझना ना तो डीएम इंटू आर स्क्वेअर डीएम इंटू आर स्क्वेअर म्हणजे ओपी स्क्वेअर त्याला इंटिग्रेशन घ्यायचं कारण अशा पद्धतीचे डीएम सगळे डीएम या एक्स झेड ऍक्सिसवर फिरतील दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ आय झेड
समझो इक्वेशन वन आई एक्स का फॉर्मूला लिखो, समझो तुमने इट इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, एक्स एक्सिस पास मास किती है डीएम, डीएम डिस्टेंस किती है वाय, म्हणजे वाय स्क्वायर, समझ ना। इंटीग्रेशन इक्वेशन टू, इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं क्योंकि ये जो डीएम है पूरे डीएम सब एलिमेंट एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहे, आय वाय करा तो करा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वेशन थ्री। तो ऐसे तीन इक्वेशन बना लो तुम, आरजेड आई एक्स आई वाय, आई एक्स बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाय ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब ये उसके बाद में कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल ओ एम पी, ये ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हो ओ एम पी कोई भी, नहीं तो ऊपर वाला भी कर सकते। देखो ये ट्रायंगल में ये 90 है, ये बन गया हाइपोटेन्यूस, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये बन गया 90, तो ओपी ये हाइपोटेन्यूस बन गया, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन टू में रखना है। देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन टू, सॉरी फॉर्म इक्वेशन वन, वही गेट इक्वेशन वन वापर आता तुम्ही, ठीक है इक्वेशन वन का इक्वेशन वन आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम ओपी स्क्वेअर ची किंमत टाकून द्या वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर, त्याला सॉल्व करा डीएम वाय स्क्वेअर प्लस डीएम एक्स स्क्वेअर, डीएम डी म्हणजे का सेपरेट इंटीग्रेशन डीएम वाय स्क्वेअर प्लस इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वेअर, ठीक है आई जेड इज इक्वल टू, देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू ये इक्वेशन टू है, इट इज अ फॉर्मुला ऑफ आई एक्स, इट इज अ फॉर्मुला ऑफ आई वाय, देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाय। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ, हे कशाचा प्रूफ झालेला आहे, परपेंडिकुलर एक्सिस।